नमस्कार, एक दुखदायक वीडियो के साथ आप सभी के साथ मैं आया हूँ। सुनने में बहुत ही बुरा, सुनने में ही नहीं हमें लगता है ये बहुत बुरा घटना घटी है हमारे कार्बी आंगलोंग पर। केवल कार्बी आंगलोंग नहीं, ये सारा देश में ही है। सोचिए, ये देश में हमारे बेटियाँ सुरक्षित नहीं है आज, हमारे बहन सुरक्षित नहीं है, हमारी दीदी माँ बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारे ही देश में, अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हम जैसे राक्षस इस देश में हैं। हम जैसे राक्षस इस देश में पले बड़े हो रहे हैं। सोचिए, एक 12 साल की लड़की को कौन रेप करता है? वही राक्षस जिसमें गुण का कोई नाम निशान नहीं, जिसका अभी जीवन शुरू ही हुआ है, उसको रेप करके जलाया जाता है। कितना क्रूर हो चुके हैं हम सब, और कहते हैं हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। खाक का प्राउड, हाउ टू बी प्राउड, कौन किस जगह से प्राउड होना चाहिए हमें, कहाँ से प्राउड होगा? अपने ही बहन, अपने ही बेटी को रेप करते हैं हम, कहाँ गिर चुके हैं हम? प्राउड का तो बात ही छोड़ो, मुंह भी दिखाने का लायक नहीं है हम सब। ये कार्बी आंगलोंग की बेटी की बात नहीं है, ऐसे केस तो हजारों केस आते हैं हमारे भारत में। कितने केस तो ऐसे भी होते हैं जो सामने नहीं आता, कितनों की जीवन तो ऐसे ही जंगलों में मार के फेंक दिया जाता है। कितने केस, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम माता पिता होने के नाते बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते, केवल डिग्री थमा देते हैं ना बच्चे को। ये डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है, डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम डिग्री के पीछे भागेंगे ना, हमारे देश, हमारे नौजवान, हमारे बेटा, इस देश के लड़के इसी केस में उलझते रहेंगे। जब तक हम ज्ञान नहीं भर देंगे उन बच्चों के दिमाग में, मस्तिष्क में, तब तक कोई उपाय नहीं है। तो जागो यार, जागो, क्यों तड़पाते हो? सोचो उनके पिता माता पर क्या गुजरा होगा, जिससे जिसके भविष्य के लिए उसने अपने से दूर रखकर पढ़ाया था, उनको रेप करके जलाया जाता है। सोचिए कितना दर्दनाक मौत दिया। ये हमारे बहन के साथ होता तो क्या होता? आप सोच रहे होंगे वो कार्बी संप्रदाय से बिलोंग करती है। ये बात अपने दिमाग में मत लाना। आप जो भी ये दिमाग में लाता है ना, वो सबसे बड़ा पापी है और सबसे बड़ा जनवार है वो। ये शब्द मैंने यूज किया क्योंकि बहुत दुख लगा मुझे, क्योंकि ये भारतवर्ष को एक महान देश कहा जाता है, जहाँ पर अतिथि देवो भव, जहाँ पर भगवानों का जन्म हुआ है। लेकिन इसी देश में उन देवियों को रेप किया जाता है और उसके बाद जलाया जाता है, वो भी 12 साल, जिसका जीवन अभी शुरू ही हुआ है। क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या हो रहा है हमारे देश में? केवल कोई मनोरंजन के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये वीडियो शेयर करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हर एक वो माता पिता के दिमाग में घुसे। उनको ग्रेजुएशन, उसको डिग्री मत थमाइए, उनको ज्ञान बहुत ज़रूरी है। उन लड़कों को बहुत ज्ञान की ज़रूरत है, वरना ऐसे ही हमारे बेटियां मरते जाएंगे। कितने को केस करेंगे, कितने को फांसी में लटकाएंगे? इसीलिए ज्ञानमय बनना है, ज्ञान ही सबसे बड़ा हमारा हथियार है। शिक्षा तो केवल समझने की क्षमता बढ़ाना है, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं रहेगा ना, वही शिक्षित व्यक्ति, देखा ही है आपने, जो सिगरेट पीता है ना, वो कैसा, कौन सिगरेट पीता है,
जो शिक्षा से भरा हुआ है। ग्रेजुएशन हमारे डॉक्टर हमारे इंजीनियर सिगरेट पीते हैं, जिसको पता है कि इट कजेस इन कैंसर, वही पीते हैं सिगरेट, है ना। इसी तरह से कोई भी ज्ञान जिसका ज्ञान नहीं है, ग्रेजुएशन अथवा डिग्री से कुछ फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं आप सभी के साथ कृपया मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, आप सभी के साथ हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बच्चों को ज्ञान दे ना कि डिग्री। ज्ञान बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, तो जस्टिस न्याय सभी के साथ होना चाहिए। तो सुमिला रोहनपी को का आत्मा जो है शांति रहे, यही कामना करता हूँ, और सभी को सुरक्षित रहने के लिए कामना करता हूँ। धन्यवाद, लास्ट तक बने रहने के लिए।